वार्ड 69 से बीजेपी के पार्षद पद प्रत्याशी भूरी सिंह राजपूत लगातार तूफानी जनसंपर्क कर जनता से वोट मांग रहे हैं। भूरी सिंह राजपूत इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भूरी सिंह का कहना है कि उनकी जीत इस बार सुनिश्चित है, पहले भी जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया था। भूरी सिंह राजपूत जनता के बीच जाकर अपनी जीत के लिए वोट मांग रहे हैं। भूरी सिंह राजपूत लगातार तूफानी जनसंपर्क कर जनता के बीच घर घर पहुंच रहे हैं। भूरी सिंह राजपूत का कहना है कि जनता की मूलभूत समस्याओं का वो निस्तारण कराएंगे। आज हमने सेक्टर 1 और सुभाषपुर का दौरा किया, वहाँ भरपूर हमें समर्थन मिला है और महिलाएं और जेंट्स में एक अलग तरह का उत्सव जैसा माहौल बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में मैं जानता हूँ सभी लोगों से करीब 2,500 वोट मतों से ये वार्ड जीतेगा। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी भूरी सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता श्यामवीर सिंह चाहर का कहना है कि इस बार भूरी सिंह की जीत पक्की है। नगर निगम की समस्या ज्यादा नाली खरंजे की और साफ सफाई की होती है, बहुत छोटे काम होते हैं और उनको पूर्व में विश्वास दिलाया है कि आपको तो किसी पार्षद के या मोहल लगाने के लिए जाना पड़ता है या किसी काम के लिए जाना पड़ता है, मैं आपके एक ही कॉल पे आपके घर पर उपस्थित हूँगा और आपका जो समस्या होगी मैं उसे घर पे ही निपटाने का कार्य करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का आप ऐसे तो पूरे महानगर आगरा क्या उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में ही है, लेकिन हमारे वार्ड 69 में भारतीय जनता पार्टी ने भूरी सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अंतर से विजय होंगे और करीब 2,500 वोट से आगे होंगे और जनता का पूरा समर्थन हाथों हाथ ले रहे हैं। पूरा समर्थन इस प्रकार मिल रहा है जैसे कोई रिश्तेदार आता हो, उससे भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 69 में कुछ वार्ड इस बार परसीमन में बदल गए हैं और कुछ मोहल्ले वार्ड में जुड़ गए हैं तो वहीं कुछ काट दिए गए हैं। वार्ड 69 में 10,000 से ज्यादा वोटर हैं। इस वार्ड में 2200 से 2500 के बीच हार जीत का फैसला होगा। भूरी सिंह राजपूत दमदार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि जनता का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है, उनकी जीत पक्की है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।